नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन के बारे में। जी हां दोस्तों, आप सब जानते हैं कि OnePlus को हर एक इंसान खरीदना चाहता है। तो दोस्तों यहां पे जो है मैं आपसे बात करने वाला हूं OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों मेरे साथ पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिखने वाला लाल कलर का बटन, उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के अंत पे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है OnePlus 8 Pro का यहाँ पे स्मार्टफोन कैसा लगा। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल क्रिपी रोस्टर। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं OnePlus 8 Pro के की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट की, जो कि यहाँ पे है आपको रैम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रैम जो है आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाता है 8 GB का। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865। तो चलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि है कैमरा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है रियर कैमरा यहाँ पे 4 मिल जाता है, जिसमें कि यहाँ पे आपको 2 कैमरा मिल जाते हैं 48 MP के। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको तीसरा कैमरा मिल जाता है रियर का आपको 8 MP का, और चौथा कैमरा आपको रियर का मिल जाता है 5 MP का। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है OnePlus 8 Pro में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कैमरा, जिससे कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके फोटोग्राफी को लेकर के एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है 16 MP का। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि OnePlus 8 Pro में आपको जो है फ्रंट कैमरा या फिर रियर कैमरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको शानदार मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है यहाँ पे बैटरी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 4510 mAh का आपको यहाँ पे बैटरी मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है OnePlus 8 Pro में 6.78 का डिस्प्ले। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे OnePlus 8 Pro की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ जनरल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि OnePlus 8 Pro का ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 24 अप्रैल 2020 को। जैसा कि आप सबको पता है कि इस स्मार्टफोन का ब्रांड जो है यहाँ पे OnePlus है, साथ ही साथ इसका मॉडल जो है 8 Pro है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको OnePlus में ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है एंड्रॉयड का वर्जन 10। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बात की जाए इसके कस्टम UI की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑक्सीजन OS। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके सिम स्लॉट को लेकर के। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल सिम स्लॉट, जिसमें कि आपको GSM सिम सपोर्टेड होगा। अब दोस्तों आप इसमें सोच रहे होंगे कि इसमें जो सिम स्लॉट मिलता है उसका साइज क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो सिम लगेगा वो नैनो सिम लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों OnePlus 8 Pro में कौन से नेटवर्क सपोर्टेड होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2G से लेकर के 5G तक का यहाँ पे हर एक नेटवर्क जो है सपोर्टेबल होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसमें फिंगरप्रिंट की। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो है फिंगरप्रिंट की फैसिलिटी मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग को लेकर के। तो यहाँ पे क्विक चार्जिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस स्मार्टफोन का साइज आपको मिल जाता है 165.3 mm का। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इसके विड्थ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 74.3 mm का विड्थ। चलिए दोस्तों बात करते हैं OnePlus 8 Pro के स्मार्टफोन के बारे में। तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन जो है किस किस कलर में अवेलेबल है, जिसमें कि दोस्तों सबसे पहले कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑक्सीजन ब्लैक। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा यहाँ पे कलर आपको मिल जाता है ग्लेशियल ग्रीन। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा आपको यहाँ पे कलर मिल जाता है अल्ट्रा मैरिन ब्लू। दोस्तों यहाँ पे OnePlus के किसी भी सीरीज की बात की जाए तो उसकी एक खासियत है कि वो वाटर प्रूफ है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको IP68 यहाँ पे आपको वाटर रेसिस्टेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है स्मार्टफोन। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाता है 1440x3168 pixel का। चलिए दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले टाइप की। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्लूइड का AMOLED डिस्प्ले। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे टच स्क्रीन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है कैपेसिटिव टच स्क्रीन और मल्टीपल टच स्क्रीन यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों OnePlus के स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको जो है रिफ्रेश रेट मिल जाता है 120Hz का। चलिए दोस्तों बात करते हैं OnePlus 8 Pro के परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस को लेकर के। प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑक्टाकोर, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं OnePlus के स्टोरेज स्पेसिफिकेशंस को लेकर के। तो यहाँ पे आपको जो है इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है 128 GB का। दोस्तों अगर यहाँ पे बात की जाए कि एक्सपेंडेबल यहाँ पे मेमोरी, तो यहाँ पे आपको जो है एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं मिलता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि OnePlus का ये स्मार्टफोन OTG सपोर्टेड है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये स्मार्टफोन OTG सपोर्टेड है। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको सेंसर मिल जाता है एक्समोस RS सिमोस सेंसर। दोस्तों यहाँ पे USB टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आपको टाइप सी मिल जाता है, जिससे कि आपका स्मार्टफोन जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी चार्ज हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वाईफाई GPS NFC ब्लूटूथ मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि OnePlus के इस स्मार्टफोन में आपको जो है FM रेडियो नहीं मिलता है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने आपको वन प्लस एट प्रो के बारे में स्पेसिफिकेशंस का रिव्यू दे दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको इसमें क्या क्या फीचर अच्छे लगे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वन प्लस का ये स्मार्टफोन कैसा लगा है और यहाँ पे आपको जो है कौन कौन से फीचर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए स्मार्टफोन के रिव्यू को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।